कैसी हैं आप? माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। वाह वाह, कड़ी अच्छी है वैसे। इस कड़ी नहीं थी पता मेरे ये कड़ी भी होनी। कौन सा गाना था जो आपने ऑडिशन में गाया? अभी भी मेरी बहन है, उसमें मजाक उड़ाती है। हम भी उड़ाएंगे ना गा के चली रे चली रे जुनून को लिए। ये सिंगल लोग ले 20000 रुपया देखने बाजी ये तुम्हारे वास्ता काम नहीं, तुझको और कारोबार। अब तो मैं लोग कह सकते हैं चुपली के मुंह वाले। Hi guys, welcome to the YouTube channel of Hira Faisal. और आज मेरा एक चैनल पे इंटरव्यू है और मुझे जल्दी जल्दी में निकलना है। मैं लेट हो गई, मैं सोई हुई थी, कॉल टाइम 11 बजे का था और मैं अब 12 बजे सो के उठी हूँ। सो इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्विक सी ट्रांसफॉर्मेशन, सो स्टे ट्यून्ड। ओके सो गाइज, ये है जल्दी जल्दी वाली ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, मैं भाग रही हूँ नीचे, ड्राइवर वेट कर रहा है, मुझे खाना भी खाना है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना है। सो मम्मा मेरा ब्रेकफास्ट ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ है, मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाई। तो इस टाइम हम रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया, बहुत ही तेज़ी से, इतनी तेज़ी से मैंने आज तक कुछ भी ना किया हो ज़िंदगी में। तो लेट्स गो, ड्राइवर साहब जी हमारे सो चुके हैं। अब हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, सो दो दो प्रोफेशनल्स मेरे बालों पे लग चुके हैं ताकि हम ऑन टाइम शो पे पहुँच सकें। ठीक है, तो मैं सोई रह गई थी इस वजह से मैं लेट हो गई। ये कोई ब्रेड हो रही है मेरे बालों पे, इसका क्या नाम है? स्पार्टिकस है। ये कोई नया आर्टिकल आया मार्केट में? नहीं, निगाह हेयर स्टाइल तो है। एक होती वाटरफॉल ब्रेड, एक होती फ्रेंच टेल। अच्छा, मुझे लगा था शायद बाल बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर ब्रेड करने का टाइम मिल गया। दे वर वेरी क्विक, उन्होंने यू यू में। सो हम प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुके हैं, एवरीथिंग इज़ डन, अब हम रेडी टू गो हैं फॉर द सेट। हेलो हीरा, आप कहाँ आई हैं? चीटिंग की आपने? आपको इकरा ने तैयार किया है? किसने तैयार किया है? आप ही से तो बिल्कुल नहीं। कपड़े, हाँ कपड़े आप ही के हैं। सबने कहा भाई आईंदा ना देने, और घर आके इतना दिल टूटा क्योंकि आप ही को देख के शौक होता है ना कि अच्छा बहन सिंगिंग करी और मैं भी ऑडिशन दिया यार। बाथरूम अभी भी मेरी बहन है, उसमें मजाक उड़ाती है। हम भी उड़ाएंगे ना गा के नहीं, हमने भी उड़ाना है आपको, मजाक नहीं नहीं गीत गाइए जरा थोड़ा सा इंडियन गाना। हां गा दीजिए, मेरे सुर हिल जाते हैं उसमें। कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, साडी बाजी ही नहीं। हमने सारे गिले में रखे हैं, मैं हां चले मेरा कहीं मिस्टेक हो जाए तो हंसना नहीं। पंजाबी गाना लड़कों वाला गाना शुरू कर दिया, उसने कहा भाई देखने से तुम लड़की लग रही हो, गबरू पंजाबी वाले गाने गा। अच्छा अगर हम कहीं भी ना तो अपनी वाला गाना गाना।
राज है YouTube की कमाई इन थोड़ी तो मुझे पासवर्ड दे देना उसका कार्ड का भी रहने दो चैनल का पासवर्ड दे कैसी है माशाल्लाह प्यारी लग रही है वाह वाह घड़ी अच्छी है वैसे इस घड़ी नहीं सी पता मेरे से ये घड़ी भी आनी सर जी हूँ तुहानू मैं मिलवान लगी हाँ अपनी एक बिछड़ी हुई बहन तो ठीक है तो इन्होंने आज बहुत बहुत ज़्यादा शुगर लगाया है और हमने दोनों सहेलियों ने ना बहुत अच्छा व्लॉग भी बनाए हैं और रिकॉर्डिंग भी की है बच्चों दो दो तीन तीन लोग हो जाओ इतना टाइम नहीं है हमें यहाँ ऑडियंस करनी है नहीं नहीं अभी ज़्यादा टाइम लग जाए ना आपको पता ऊपर भी जाना हमने सो शो का हो चुका है इस टाइम पैक और अब हम चलेंगे घर सो गाइस अब हम वेट कर रहे हैं सेम एज यूजुअल कार का और जैसे ही आएगी हम घर के लिए निकलेंगे आई एम वेरी 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 टायर्ड मुझे पिक्चर्स भी लेनी थी लेकिन टाइम नहीं मिला बस निकलने की करते हैं सो अब हम लोग फोटो सेशन कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक गाड़ी नहीं आई ठीक है द पॉइंट इज अभी तक गाड़ी नहीं आई हम वेट कर रहे हैं और ये ऑफिस कुछ इनका इस तरह से भूल भुलैया मैं रास्ते भूलने में एक्सपर्ट हूँ आई होप मैं सही जगह पर आई हूँ ये जगह मिल गई है जहाँ मुझे आना था मुझे भूख भी लग रही है मुझे खाना दोगे तुम मुझे सैंडविच चाहिए चलो मैं सैंडविच खा के सो फाइनली वी आर लिविंग फाइनली तो गाइस जब आप बैठ बैठ के थक जाओ और फिर आपको बैठना पड़े तो आप कुछ इस तरह से बैठते हो मैं इस टाइम थक चुकी हूँ खाना खाना चाहती हूँ बिरयानी का मैंने अभी से ऑर्डर दे दिया क्योंकि मेरी अम्मा ने घर पे फ़िलहाल तो कुछ नहीं बनाया घर जाके बताती हूँ सो इस टाइम हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली घर और देखते हैं इस टाइम मुझे मिल गई आप ही मेरा मेरी वीडियो बनाने के जब जाती है मेरे आगे पैकेज दिखाओ मेरा टी वी ये देखें गाइस गाइस यहाँ एक ऐसे कर रही है ये देखना ज़रा कर रही है अब तुम्हें लोग कह सकते हैं चुपली के मुँह वाली जिंदगी में कभी तुम्हारा शॉट नहीं बनाऊंगी जो मर्जी कह लो मुझे तो पता ना मैं क्या हूँ पैकेज देख लें इसका है ये आती है सुबह सुबह पैकेज दिखा रहे मैं पूरे रास्ते कह के आई हूँ कोई मुझे मिलेगा घर पैकेज दिखाऊंगी पैकेज दिखाऊंगा आज मैं अपना पैकेज दिखा रही हूँ मैं तो इसको सुबह बैग भी दिया था साथ लेवेंडर वो ज्यादा पैकेज लग रहा था पर अच्छा लग रहा था मैं घर छोड़ गई मैंने कहा यार उसमें चीजें थी तो मेरा हेयर स्टाइल दिखाओ अच्छा लग रहा है ना हाँ हेयर स्टाइल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको प्यार तरीके से जिसने खजूर का पौधा लगाया होता सर पे इट लुक्स नाइस प्रिटी तुमने किस लिए मेरी शर्ट पहनी है तुमने मेरी पहनी तो मैं खुशी में तुमने मेरी शर्ट पहनी तुम मेरी पहन सकती हो मैंने तुम्हारी पहन सकती मैं किसी काम के लिए गई थी तो पहन के गई थी मैंने भी एक फॉर्मल डिनर पे जाना गाइस ये पहन के अच्छा ट्राई कर रही थी ट्राई कर रही थी हाँ। मुझे लगा तुम घर में पहन के घूम रही हो मैं यही लेवेंडर वाली चप्पल से तुम्हारी धुलाई करती हूँ वहाँ पे क्वेश्चन पूछा उन्होंने कहते कि आप बताएं कि कौन आपने नहाने गई हुई आपने कपड़े रखे हुए और उठा के पहन जाते मैंने कहा यहाँ पे कोई हरकत नहीं करता मैं करती हूँ मैं बहनों के कपड़े उठा के पहन जाती हूँ ये उनको कैसे पता चला कि हमने कभी बार डिस्कस किया शायद उन्होंने तुम पे पूरी रिसर्च की हुई थी नहीं ना मैंने बोल, भी की होगी हाँ क्योंकि ये बात हमने एक दफा बताई हुई थी किसी जगह पे एक दफा क्या हुआ तुमने किसी शूट पे जाना था तुम्हारी कंटिन्यूटी थी उस ड्रेस की हाँ। आप ही ने तैयार करके ड्रेस ने ऐसे लटका के रखा हुआ मैं सुबह सो के उठी मैंने यूनिवर्सिटी जाना था मैंने देखा वाह अच्छा ये कल आप ही ने पहना था तो आप ही ने अपने ही पहनना होगा बड़ा इस्त्री करके रखा हुआ है मैं पहन गई यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में रोते हुए आप ही की कॉल आई किधर हो मैंने कहा हाँ वो मेरा ड्रेस कंटिन्यूटी में था वापस आओ मैंने कहा यार आप ही मैं यूनिवर्सिटी से अभी घर नहीं आ सकती नहीं घर आओ पापा को भेजा
कपड़े दूसरे भेजे, हीरा बिस्ती करा गई ने यूनिवर्सिटी के वॉशरूम में गई, कपड़े चेंज किए, गंदे से कपड़े भेजे, और फिर मैंने वो बिस्ती के मारे कपड़े वापस दिए। मेरी सारी दोस्त पूछे तुम्हें क्या हुआ है, तुमने क्यों कपड़े चेंज कर लिए, मैंने कहा बस वे क्लम्बी कहना हाथ से चा नहीं कपड़े आते, दिल गई चा से। लंबी कहानी है, कभी व्लॉग में बताऊंगी। तब तुम व्लॉगर नहीं थी, तुम हीरा फिजिक्स सोचा था माइंड में, तुम हीरा फिजिक्स वाली थी। आप एक बार बिस्ती किया करो मेरी, जब किया करो अपना बैग लेके जा रहे। हम तुमको मोहब्बत करते हैं, तुम मेरा चोरी किया करो। लाइक दिस वीडियो, कमेंट करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैंने एक और बात आप ही से सीखी है, मैं उस दिन राधा को बताई थी, बेल आइकन को भी क्लिक करें इन केस अगर मेरी वीडियो आती है और आपको नहीं मिलती तो आपको मिलेगी। ये सारा रटा हुआ मैंने आप ही से सीखा है, ठीक है, मतलब मेरे रटों पे अमल करती है। ये जब बोली थी ना मैं ऐसे कान, अच्छा ऐसे से बोलते हैं, अच्छा ये भी कहते हैं, सही है, अगली दफा अगली वीडियो में ये कहूंगी। कॉपी कैट चीटर, कॉपी कैट। तो अब मैं बता रही हूँ कि आप ही का मैंने देखा, मैंने सुना, मैं काफी यार नहीं, बड़ी बहनें वैसे इंस्पिरेशन होती हैं, आई लाइक इट, पर ये इंस्पिरेशन मैंने निकाला। यू कैन गिव मी द मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती, मैं बहुत बुरा तेल लगाया अपनी शक्ल। क्यों नहीं दिखा सकती, जब मैंने तेल मैंने जूड़ा बनाया था तब तुम लेती हो वीडियो। या अल्लाह मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कैसे दिखाऊं यार, ये देखो और ये मेरी शर्ट है, बस तुम मेरी शर्ट उतार दो और कुछ ना करो। ये देखो ये मैंने चंपी कराई है, नो बहुत पुरानी, बहुत मनुस लग रही हूं, मनुस लग रही हूं। नहीं नहीं, अब आप पापी को कह सकते हैं कमेंट में इकरा मनुस, नहीं बेटा तुम्हारे वाली तुम्हारे साथ ही करूंगी। नो अब आप कमेंट में आपी को कह सकते हैं इकरा मनुस, जैसे इसने मुझे कहा आपी तो छिपकली थी, मुझे छिपकली से याद आया, जैसे इसने मुझे कहा था हीरा छिपकली के मुंह वाली। हीरा को हम बचपन में कहते थे सदर बुश, नहीं कहती थी बुश बांदर। मुझे जान जान के कर रहे हैं नाम। बाय बाय।